मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के कलेक्टर्स और कमिश्नर्स की बैठक ली। इस दौरान शिवराज ने कहा कि 29 दिन काम और 30वें दिन मूल्यांकन का है। जो अधिकारी अच्छे काम करेंगे उनकी पीठ थपथपाई जाएगी और जो अच्छा काम नहीं करेंगे उसे परिणाम भुगतने होंगे। सीएम शिवराज ने प्रदेश में गुम हुए बच्चों की बरामदगी के संबंध में की गई कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने बताया कि जनवरी में 2444 अपहृत बालिकाओं की बरामदगी कर ली गई है। अपहृत बालिकाओं की खोज को लेकर अच्छी कार्रवाई करने वाले जिले बैतूल, अशोकनगर, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन हैं। छिंदवाड़ा, निवाड़ी, राजगढ़, डिंडौरी, विदिशा जिलों में अभी सुधार की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा बालिकाओं की बरामदगी इंदौर, सागर, धार, छतरपुर, रीवा जिलों में हुई है। उपार्जन के दौरान अनियमितताओं पर ग्वालियर कलेक्टर ने त्वरित व अच्छी कार्रवाई की है। शिवराज ने कहा, हमारा उद्देश्य भी यही है, अगर हम सख्त रहेंगे तो खाद्यान्न उपार्जन में कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, लेकिन यदि ढील दी जाएगी तो गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज ने माफिया के विरुद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा की, जिसमें रेत खनिज के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए अब तक पूरे प्रदेश में 461 FIR दर्ज हुई हैं। रेत खनन के अवैध परिवहन में वृद्धि करने वाले जिले रायसेन, खरगोन, शिवपुरी हैं। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए देने की कोशिश करें। मैं भी अपना मूल्यांकन करता हूं, क्योंकि हम हैं सब जनता के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। काम में कहीं भी कसर अगर रह गई तो हम प्रदेश का अहित करने का पाप करते हैं, और इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी पूरी क्षमता झोंक के हमारी योग्यता, हमारी कर्मठता, हमारा समर्पण, हमारा परिश्रम पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश की प्रगति, विकास और जनता के कल्याण में हो। अब इसमें जो चर्चा होती है उसमें मेरा कोई राग द्वेष नहीं है, सब बराबर हैं, मैं सबको बराबर मानता हूं। जो अच्छा काम करेगा हम पीठ थपथपाएंगे, अच्छा काम करने वालों की हमें जरूरत है, प्रदेश को जरूरत है, और जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको अधिकारी नहीं कि वो फिर इन पदों पर रहकर काम करे। मेरा प्रयास निष्पक्ष मूल्यांकन का है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों कुछ काम बहुत अच्छे हुए हैं, विशेषकर बालक बालिकाओं की बरामद करने के लिए जो हमने अभियान चलाया है तो अभूतपूर्व सफलता मिली है। जब एजेंडे पे हम चर्चा करेंगे तब वो आएगा, लेकिन कई ऐसे मामले जो बड़ी कठिन परिस्थितियों में से निकाल के लाए, ये जरूरी भी है कि उसका प्रचार प्रसार उतना हो। कई जिलों ने बहुत बढ़िया काम किया है, जो गुम हुए बालक बालिकाएं हैं उनके बारे में मैंने पहले निर्देश दिए थे, उनके परिजनों को अधिकार पत्र दिए जाने। इस बार जब हम एजेंडे पर चर्चा करेंगे तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं उनको जानकारी होनी चाहिए। साइबर क्राइम के लिए मुझे लगता है कि छोटे स्तर पर जिला एक शुरुआत करें, प्रदेश के स्तर पर हम विचार कर रहे हैं, उपलब्ध संसाधनों में से करें, और वो प्रयोग अगर सफल होता है तो फिर हम उसको और पूरे प्रदेश में आगे बढ़ाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक,
व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।